चलिए, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, ओके, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग सॉल्यूशंस को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, ओके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अच्छे से चैप्टर को कवर करवा चुके हैं। आज बारी है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं वेटेज चेक करने का, ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ से 9 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। जब 2022 में आप जाओगे, वहां पर मार्च में आपकी एग्जाम होगी, तो वहां पर 9 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक 5 नंबर का मिलेगा, और आपको 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा पूरा सारांश, ओके। चलिए बात करते हैं टॉपिक्स की, बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद पढ़ोगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड डिपेंडेंसी, ठीक है, फिर फराडेस के लॉ आ जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कोलरोस्ट लॉ एंड एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आखिरी में पढ़ोगे आप लोग एमपी बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक कोरोजन, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ने वाले हो, ओके। तो ये रहेगा आपका सिलेबस। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, उनको सिलेबस ही पता नहीं होता कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, बस स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, वेटेज पता होना चाहिए, साथ में टॉपिक पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे, तभी तो आप लोग बोल पाओगे कि हमने स्मार्ट वर्क किया है 12वीं में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लपक के पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि सर, हमने तो बहुत पढ़ाई करी थी, साल भर पढ़ाई करी थी, फिर भी हमारे नंबर नहीं आए। रीजन यही होता है, उनको यही नहीं पता होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या उसका ब्लूप्रिंट है, क्या उसका सिलेबस है, क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर आपको पता होगा तभी जाके आप केमिस्ट्री में झंडे गाड़ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया। तो आ जाइए यहां पर स्लाइड नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? पहला क्वेश्चन आता है कि भाई साहब, ये होता है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ही ब्रांच है, कंसर्न विद इंटर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट आर कॉज्ड बाय द पासेज ऑफ करंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी एक ब्रांच आती है, ठीक है, काइनेटिक्स वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से अलग अलग ब्रांच होती है। तो एक ब्रांच हमारी कौन सी है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकल गया हमारे मुंह से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, ओके। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है, यहाँ पे आप लोग बात करते हो इलेक्ट्रिसिटी की, साथ में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। मतलब केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी में, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में, दोनों में एक रिलेशन होता है। आप लोग ये बोल सकते हो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन होता है। उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज होने वाली है यहाँ पर। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, साथ में आपको केमिकल चेंजेस भी देखने को मिलेगा। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, काफी अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है ये। चलिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीजें देखेंगे, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, कभी कभी हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या कन्वर्ट करना रहेगा, इसको कन्वर्ट करना रहेगा हमें केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, और कभी कभी क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी हमारे पास दे रखी हुई होगी, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पर देखने वाले हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए
तो भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले बहुत सारे बच्चों को ही इसमें डाउट होता है कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं आता है वो यहाँ पर देखेंगे, ओके। तो जिन लोगों को आता है वो भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, आगे दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत बेसिक चीजें होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कार्बन है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए हमारे पास मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन में आपने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, गेन, कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास Cl2 है, अगर आप इसमें H2 को ऐड कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 लगा लीजिए बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसने क्या है गेन किया है, इसने गेन किया है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन इसने गेन किया है। तो जहां पर हाइड्रोजन का गेन होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का गेन होता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा भी ये रहेगा, उल्टा कर लो आप लोग, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह से लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एक और चीज होती है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सोडियम है, Na+ है, सोडियम का आयन है आपके पास, ठीक है, आयन है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम सॉलिड स्टेट में बन जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे आयन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है तो भी उसे आयन बोलते हैं। आयन किसको बोलते हैं, जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था तब जाके पॉजिटिव आता है, आपने फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, फिर से सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन कर लिया। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये क्लोरीन था, ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन Cl- और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। तो यहां पर क्या एग्जाम्पल बनेगा, ये बनेगा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है, गेन होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे आप लोग, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यहां पर लॉस होता है, ठीक है, ये तरीका होता है जानने का। उसके अलावा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर Cu2+ था, मतलब इसमें से किसी ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होंगे तब जाके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये बात आप लोग समझते हो नहीं समझते हो। देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव क्यों आया होगा, क्योंकि तो इसमें से किसी ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगर आप इसको फिर से दो इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। तो कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये Cu में बन गया, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन को क्या बोलते हैं हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू रिडक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, अरे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए फिर यहाँ पर क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, मतलब ये सॉलिड स्टेट में। अब आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब इससे किसी ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये दो तरीके होते हैं समझने के, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो फोर्थ पॉइंट आपसे ये बोल रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर,
ये जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर टू है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो कम हो गए, ठीक है, यहाँ तो क्या हो गए, यहाँ पर कम हो गए, यहाँ पर टू थे यहाँ पर जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जहां पर डिक्रीज होता है वहां पर रिडक्शन होता है, और जहां पर इंक्रीज होता है यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर टू है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्लीन करके बताते हैं आपको, यहाँ पर जीरो यहाँ पर टू, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जहां पर नंबर बढ़ जाए, ध्यान रखिएगा नंबर बढ़ने की बात अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की बात अलग होती है, ओके। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग ध्यान रखोगे, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, खासकर थ्री वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए, तो आप लोग ये ध्यान रखोगे, ये हम लोग आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल से, यहां से हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होती है, ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है इसको समझाते हैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड सेल, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसी को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल, इज अ डिवाइस, इज अ डिवाइस, ठीक है, इज अ डिवाइस, इज अ डिवाइस, इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके, ओके, इज अ डिवाइस दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन इट, ठीक है, दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास केमिकल एनर्जी रहेगी, केमिकल रिएक्शंस होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, समझ रहे हो आप लोग। आपके पास केमिकल है, आपके पास ये केमिकल्स हैं, केमिकल ए, केमिकल बी, अब आप इससे क्या बनाओगे, इससे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, इससे आप लोग क्या बनाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, और जो डिवाइस आप लोग यूज करोगे उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल केमिकल रिएक्शन से क्या बना देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देता है, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, इसको गैल्वेनिक सेल बोला जाता है, और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो डेनियल सेल होता है। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर की रोड होती है, जिंक एंड कॉपर की रोड होती है। अभी आपको समझाएंगे डेनियल सेल, अभी तो बस शुरुआत है, तो इतना काफी है अभी समझने के लिए, ओके। चलिए अब समझते हैं काम कैसे होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कैसे करेगा वो आपको समझाते हैं। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग बात करेंगे डेनियल सेल की। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डेनियल सेल, ओके। गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सब एक ही होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो डेनियल सेल क्या होता है, किस तरह की इसकी वर्किंग होती है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, सभी को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने ले रखा है यहाँ पर व्हाइट पेज, ओके, यहाँ पर आपको समझाएंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ओके, तो एक एक करके सारी चीज होगी। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है, ये हमने बड़े बड़े दो कंटेनर बना लिए, ठीक है, एक ये कंटेनर बन गया हमारा और एक हमारा कंटेनर बन गया ये वाला, ठीक है, दो कंटेनर है आपके पास, ठीक है, ये देखिए। अब इस कंटेनर के अंदर आपको क्या भरना है, इस कंटेनर के अंदर आपको आपको ZnSO4 का सॉल्यूशन भर देना है, ठीक है, ZnSO4 इसका सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ होगा, ओके। तो ZnSO4 इसमें आपने भर दिया, इसमें आपको भरना है CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन, इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन आपको मिक्स कर देना है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताते हैं, ये आपने किया तो आपको आपको क्या करना रहेगा, आपको पहले वाले कंटेनर के अंदर यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगानी है, यहां पर आपको क्या लगानी है, एक इलेक्ट्रोड लगा देनी है, ये देखिए इस तरह से आपको एक इलेक्ट्रोड लगा देनी है, यहां पर भी आपको एक इलेक्ट्रोड लगा देनी है, ठीक है, यहां पर लगा देते हैं एक इलेक्ट्रोड इस तरह से, ठीक है, ये बन गई हमारी इलेक्ट्रोड।
अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जिसके अंदर करंट पास हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक रोड है, एक छड़ है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक की इलेक्ट्रोड है। किसकी इलेक्ट्रोड है? जिंक की इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है। अब हमें कैसे पता चला कि ये जिंक की है कॉपर की है? क्योंकि हमने यहां पर ZnSO4 डाल रखा है, इसमें मेटल कौन सी है? जिंक है, तो जिंक का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है। उसी तरह से यहां पर CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो यहां पर आपको Cu की इलेक्ट्रोड बना देनी है, ठीक है। चलिए, ये काम कर दिया आपने। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपको किससे कनेक्ट कर देना है? एक वायर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक वायर आपने यहां से लेकर इस वायर को आपने कनेक्ट कर दिया। देखिएगा ध्यान से, ये एक वायर हमने ले लिया, इस तरह से एक वायर हमने कनेक्ट कर दिया, ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ओके, ये वायर हमने इस तरह से बना दी। ओके, ये वायर हमने इसलिए कनेक्ट किया ताकि हमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। क्या मिल जाए हमें? इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन काम तो यही है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी, वहां से हमें क्या चाहिए भाई साहब? वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने यहां पर एक एमीटर लगा दिया, एमीटर बोल दो या फिर गैल्वेनोमीटर बोल दो, या फिर आप चाहो तो वोल्टमीटर कस सकते हो यहाँ पर। ये यह हमारे पास मान लेते हैं क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एमीटर भी ले सकते हो। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि करंट यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निडल है वो आपको दिख जाएगी, अगर ये डिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी आपको तो समझ जाइएगा यहाँ पर करंट बन चुका है, ठीक है। तो आ जाते हैं कहानी में यहाँ पर फिर से। जिंक हमारे पास था, तो ये जो जिंक है, जिंक ZnSO4 जो हमारे पास है, ये जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर इस प्रकार से टूट जाता है, ZnSO4 और Zn2+ और SO4 2- के ब्रेक हो जाता है। उसी तरह से जो CuSO4 होता है वो भी इस तरह से ब्रेक हो जाता है, Cu2+ SO4 2-, ठीक है। इस तरह से पूरे सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ SO4 2- होगा, Cu2+ SO4 2-, और बना लीजिए आप लोग, Cu2+ SO4 2-। इस तरह से ये ब्रेक हो गया, यहां पर भी इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, Zn2+ SO4 2-, Zn2+ Zn2+ SO4 2-, इस तरह से ये ब्रेक हो गया। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब जो जिंक हमारे पास है, जिंक की जो इलेक्ट्रोड हमारे पास है उस पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहां पर जो जिंक हमारे पास है ये जिंक की इलेक्ट्रोड है। अब जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। जिंक की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की? जो जिंक होता है ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक जिंक ब्रेक हुआ, एक जिंक यहां से टूटा, Zn2+ इस तरह से ब्रेक हुआ, तो यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और जिंक 2+ टूटा, इसने आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। यहां से फिर से एक जिंक 2+ टूटा तो आपको क्या दे दिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, Zn2+ सॉल्यूशन के अंदर जाता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इस तरह से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो होंगे और हमें लास्ट में यहां पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने बनाए थे, तो यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक है। ये होने वाला है। तो आप लोग समझे कि यहां पर धीरे धीरे जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे करके छोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ये धीरे धीरे करके पतली होती जाएगी, ठीक है, टूटती जाएगी ये, ठीक है। पहले मोटी थी लेकिन धीरे धीरे करके ये पतली होती जाएगी, ठीक है। रीजन समझ में आया? क्योंकि जिंक 2+ ब्रेक होता जाएगा और सॉल्यूशन में मिलता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पतली होगी और ये धीरे धीरे करके मोटी होती जाएगी। ये Cu जो है हमारे पास कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है वो धीमे धीमे करके मोटी होती जाएगी, ठीक है। ये रीजन हो जाएगा।
अब ये मोटी क्यों होगी आपको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके पास मान लीजिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन को ये जो Cu2+ सॉल्यूशन के अंदर है ये इसको गेन कर लेगा, ठीक है, और यहां पर जाकर चिपक जाएगा, यहां पर आकर चिपक जाएगा, इस तरह से चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे करके Cu2+ इससे चिपकते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, ये चिपकते जाएंगे इससे, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, इस तरह से ये चिपकते जाएंगे Cu2+। तो इसकी वजह से ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो मोटी होती जाएगी और जिंक की जो इलेक्ट्रोड होगी वो पतली होती जाएगी, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो, ये देखिए। ओके, तो ये रीजन हो जाएगा, ये Cu2+ यहाँ पे आएगा, ये भी, ये Cu2+ ये भी यहाँ पर आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, बढ़िया सा हमारा काम चल रहा था, लेकिन दिक्कत आने कहां से स्टार्ट हुई, दिक्कत स्टार्ट हुई यहां पर, ये जो जिंक हमारे पास है यहां पर, देखिए यहां पर ये जो Zn2+ हमारे पास, जिंक हमारे पास है, ये Zn2+ में ब्रेक होगा, सॉल्यूशन के अंदर जाता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो Zn2+ है और यहां पर भी Zn2+ पहले से मौजूद है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इसकी वजह से यहां पर सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा हो जाएगा, ओके, नेगेटिव चार्ज तो हमारे पास बहुत कम है, ओके। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो Zn2+ है, ये जो Zn2+ है वो यहां पर टूटना बंद हो जाएगा, Zn2+ यहां से टूटना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि Zn2+ पहले से यहां पर मौजूद है और यहां पर भी Zn2+ हमारे पास है, तो ये दो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इसलिए ये रिएक्शन यहां पर रुक जाएगी, ओके। तो अब हमारा काम ये है कि अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग कम कर दें तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करने का तरीका एक ही होता है कि आप इसमें नेगेटिव चार्ज मिला दो, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहीं से हम लोग ला देते हैं तो ये 2+ के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, एक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है, देखिए अभी आपको समझाते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यू शेप की एक ट्यूब होती है, यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, जिसके अंदर भरा हुआ होता है KCl या फिर NaCl, मतलब इसके अंदर एक सॉल्ट भरा हुआ होता है, ठीक है, इसके अंदर एक सॉल्ट भरा हुआ होता है, या फिर आप तो KCl ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए NaCl, ठीक है, ये आप लोग ले सकते हो। तो यहां पर Na+ होगा और Cl- होगा, ठीक है। तो ये जो Cl- है वो इधर जाएगा और Na+ जो होगा वो इस साइड जाएगा। तो Cl- अगर यहाँ पे आ जाएगा, यहां से Cl- आएगा, यहां से Cl- आएगा, ठीक है, Cl- इधर आता जाएगा, तो ये Cl- जिंक के साथ जुड़ जाएगा और इस तरह से हमारी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाली, वो धीरे धीरे करके रिजोल्व हो जाएगी। ये काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम समझ में आया आपको, सॉल्ट ब्रिज हमने इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके, फिर से करंट का फ्लो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में हो सके, बिल्कुल यहाँ पर मेंटेनेंस हो सके, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, तो यहाँ पर करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये था पूरा डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं बोलेंगे हम लोग, डायग्राम बोलेंगे, ये डायग्राम है डेनियल सेल का, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना रहेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहां पर है लेफ्ट, ये हमारे पास लेफ्ट वाला है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन है हमारे पास, लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, आप लोग खुद देखिए। यहां पर जिंक ने आपको क्या दिया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में क्या हो रहा है भाई साहब, राइट साइड में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, राइट साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ठीक है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, के
थर्ड, ठीक है। एनोड जो होती है वो नेगेटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान कैसे रख सकते हो, एक तरीका होता है याद करने का, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं इसको क्लीन करके, यहां पर देखिएगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड यहां पर होती है जो कि नेगेटिव होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। चीजें समझ में आ गई आपको, आप सभी को चीजें समझ में आ चुकी है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, ओके। तो अब आप लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो चीजें आपको बताई है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जो चीजें आपको बताई है पर्टिकुलर हर एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। तो ये रहेगा डायग्राम, आपको समझा दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, ओके। अब कोई प्रॉब्लम आपकी होगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो दो प्रकार के रिएक्शन हमने देखी, एक हमने लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था, एक बार और रिपीट करवा देते हैं आपको। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या हो रहा था, लेफ्ट में जो जिंक था उसने आपको Zn2+ और दो इलेक्ट्रॉन में ये दे दिया, ठीक है। राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में हमारे पास Cu2+ था, जिसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहाँ पर Cu में बन गया, ये Cu सॉलिड ये बन गया, ठीक है, Cu सॉलिड बन गया और इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर चिपक गया। तो ये चीज हो रही थी, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं है यहाँ पर, ओके। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। करते हैं क्लास को एंड।